माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड जालंधर के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर आज के मुख्य यजमान राकेश प्रभाकर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि हम इंसान बाहरी रूप से अलग अलग हैं, ख्यालात व भाषा अलग अलग है, लेकिन सबका ध्येय एक है, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। जिस जगह पर सत्संग या धार्मिक आयोजन हो रहा है उसमें जाकर आप सत्संग में पिता परमेश्वर के बारे में जानकारी लें। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का कहना है कि यह माया की दुनिया है, इससे आगे भी कुछ और है। माया की दुनिया को असली ना समझो, पहले हम जानने की कोशिश करें, जिंदगी का मकसद तभी समझ में आएगा। हवन यज्ञ उपरांत श्री गणेश उत्सव का विधिवत समापन हुआ। सभी सेवादारों ने मिलकर ब्यास नदी में गणपति विसर्जन किया। इस अवसर पर राजेश महाजन, समीर कपूर, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, गौरी शर्मा, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय, बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, बाबा हलचल, बलदेव राज, विनोद खन्ना, अभिलक्ष्य चुग, दिशांत शर्मा, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश, केहर सिंह, प्रदीप शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रवीण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है माँ के इस भव्य मंदिर के अज जी दिव्य हवन यज्ञ की श्रृंखला है वो जारी रही। इस तरह असं अगे भी कहने ना जाना मैंने होटल वोटल ना जाना बाजार, माँ के द्वार जाना है, जन्मदिन वही मनाना है। अज साडे वड्डे भाई श्री राकेश प्रभाकर जी के दमाद जी का जन्मदिन दिवस है, उन्होंने जरूरी काम पैन करके उन्होंने जगह पर अज मुख्य यजमान के रूप में राकेश प्रभाकर जी ने शामिल होकर महामाई के चरणों के जिहड़ा पुष्प अर्पित किए, नाना प्रकार की औषधियों हवन यज्ञ आहुतियां डालियां। साडे समूह सेवादारों वालों माँ जगदंबा के चरणों यही बारंबार अरदास बेनती है कि हे जगदंबा अपने बच्चों के उत्ते मेहर भरे हाथ रखो, शारीरिक निरोगता दो, विशेष रूप के जिहड़े जिहड़े तुहाडे भगतां ने तुहाडे चरणों च पुष्पां अर्पित किए हैं, नाना प्रकार के जिहड़े खाद्य पदार्थ अर्पित किए हैं, भोग लगवाए हैं, नाना प्रकार दी जिस तरह चुनिया है, दुशाले है, और महामाई के निमित्त जिहड़े सूट अर्पित किए हैं, माँ स्वीकार करो और इदां ही अपने बच्चों के मेहर भरे हाथ रखो, इन्हां दे मन नीवे और मत उच्ची रखो। अज मेरे वालों समूह सेवादारा माँ बगलामुखी धाम वालों सोटल मेले दियाँ बहुत बहुत मुबारक, और अज जिहड़ा पिछले बहुत दिनों तो चले आ रहा श्री गणेश उत्सव है वह भी सवेरे विधिवत रूप से पूजा अर्चना तो बाद संपन्न हो गया, और विसर्जन लिए साढ़े सेवादार सारे जा रहे हैं, सेवादार सारे जा रहे हैं। 14 अक्टूबर में शनि अमावस्या आ रही है, उस दिन एक बहुत विशाल अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन हो जा रहा। मैं अपने वालों और समूह सेवादारा वालों एक करवत प्रार्थना करदा कि आप सारे सब परिवार इस जिहड़ा आयोजन हो रहा उस पहुँचो, इस दे विच पितृ दोष दे लई और शरीरिक कष्ट जिन्हें भी विघन बाधा है उन्होंने दूर करने लई अमावस्या दे दिन श्री शनिदेव महाराज जी और पितृपक्ष का जिहड़ा उस दिन अमावस्या है उस दे निमित्त हवन यज्ञ होएगा तिलों के नाल, जौं के नाल और नाना प्रकार दी औषधियों के नाल। जिन्होंने भी पितृपक्ष की कोई भी प्रॉब्लम है, पितरां की पूजा लगी हुई है या पितरां का कोई भी दोष है, वो उस दिन पहला साढ़े किसी भी सेवादार नाल कॉन्टैक्ट करो या मंदिर जाकर कॉन्टैक्ट करो ता जो उहदे जरूरी जिहड़ी समगरी है वह आप जी नूं दिखाई जा सके। और उस दिन 14 अक्टूबर दिन शनिवार
शाम 7 बजे तो हवन यज्ञ शुरू होएगा जो प्रभु इच्छा तक जारी रहेगा। उस तो बाद एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी में स्थित है उत्थे माँ के भव्य मंदिर के सवेरे जरा हवन यज्ञ जो लगातार हर वीरवार किए जाते हैं उन्होंने कड़ी अज और जी कड़ी जुड़ी हैगी है। वीरवार जरा सवेरे हवन किया गया भगत जोड़े सवेरे ही जोड़े उन्होंने तांता लगा रहा और गणेश जी की वंदना भी सवेरे की गई। उस तो बाद हम गणेश जी की आरती भी जी गणेश जी से स्थापित किए हुए थे पिछले रविवार को लगातार उन्होंने पूजा अर्चना करन तो उपरांत अज उन्होंने विसर्जन किया जाएगा। और इतने मैं नाल ये भी कहना चाहना कि अच्छ सिद्ध बाबा सोढ़ल जी दिया मेले दिया बहुत बहुत बधाइया।